कोरोना के हालात सुधरने के साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे नई जान आ रही है। वैक्सीन भी जल्द ही आने वाली है और वैक्सीन आने के साथ ही हालात में तेजी से सुधार होगा। इसी के साथ ही कारोबार भी पटरी पर आने लगा है। हर सेक्टर में नई जॉब्स निकल रही हैं, लेकिन हजारों जॉब्स में से उन चंद अवसरों को पहचानना जरूरी है जो आपके करियर में चार चांद लगा सकते हैं। अगर कोरोना के मुश्किल दौर ने आपको भी बेरोजगारी के संकट में धकेल दिया है तो हम दिखाएंगे आपको किस्मत सवारने की राह, ताकि आपकी योग्यता के मुताबिक कोई भी अवसर आपकी नजरों से ना चूक जाए। वैकेंसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन और अप्लाई करने के सही तरीकों को जानना बेहद जरूरी है। हम आपको बता रहे हैं कि किन विभागों और कंपनियों में कौन से पद पर आप आवेदन कर सकते हैं, इन पदों के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए और अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है। यहाँ अपनी शैक्षिक योग्यता के मुताबिक आप अपनी पसंदीदा नौकरी हासिल कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में असिस्टेंट सेल्स ऑफिसर की वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। सेल्स लाइन में 3 साल तक का अनुभव रखने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 2 से 2.5 लाख रुपए सालाना होगी। पहले आए पहले पाए के आधार पर भर्तियां होंगी। इंडसइंड बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री और 6 से 11 साल तक का अनुभव जरूरी है। सैलरी 11 से 20 लाख रुपए सालाना होगी। पहले आए पहले पाए के आधार पर भर्तियां होंगी। लेंसकार्ड कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। आवेदन करने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी नहीं है। कंपनी 3 साल तक का अनुभव रखने वालों को वरीयता देगी। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए सालाना होगी। पहले आए पहले पाए के आधार पर भर्तियां होंगी। CIEL कंपनी को रिक्रूटमेंट मैनेजर की जरूरत है। आवेदन करने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कंपनी 2 से 4 साल तक का अनुभव रखने वालों को वरीयता देगी। सैलरी 1 से 2 लाख रुपए सालाना होगी। पहले आए पहले पाए के आधार पर भर्तियां होंगी। कॉन्सेंट्रिक्स दक्ष सर्विसेज को कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। आवेदन करने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी नहीं है। 5 साल तक का अनुभव रखने वालों को वरीयता मिलेगी। फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी 1,75,000 से 2.25 लाख रुपए सालाना होगी। पहले आए पहले पाए के आधार पर भर्तियां होंगी। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन को 90 प्रोसेस कंसल्टेंट की जरूरत है। आवेदन करने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वैकेंसी सिर्फ फ्रेशर्स के लिए है। सैलरी 2,30,000 रुपए सालाना होगी। पहले आए पहले पाए के आधार पर भर्तियां होंगी। टूकॉम कंपनी को HR एग्जीक्यूटिव की जरूरत है। आवेदन करने के लिए MBA की डिग्री और 1 से 2 साल का अनुभव जरूरी है। सैलरी 2 से 3.25 लाख रुपए सालाना होगी। पहले आए पहले पाए के आधार पर भर्तियां होंगी। ओरेकल कंपनी को जावा डेवलपर की जरूरत है। आवेदन करने के लिए कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कंपनी 4 से 9 साल तक का अनुभव रखने वालों को वरीयता देगी। सैलरी बातचीत के आधार पर तय होगी। पहले आए पहले पाए के आधार पर भर्तियां होंगी। तो अब देर ना कीजिए। देरी करने से ये सुनहरे मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं। अपनी योग्यता के आधार पर सही वैकेंसीज का चुनाव कीजिए और फौरन अप्लाई कीजिए। मुमकिन है कि आपका ये कदम आपके सुनहरे भविष्य के दरवाजे खोल दे।